प्रभु ने अपनी जगत रचना विच एक नियम अटल रखे है कि कुछ देख ही मिलता है, बिना दित्या नहीं मिलता। ऐसा उसने नियम बना दिया। धरती नो बीज ही नहीं देता तो धरती को नोसी फल नहीं मिल सकता। जो देख ही कुछ प्राप्त होवे फिर उसनों कहने ने व्यापार, व्यापार देन लेन पे खड़ा। दुकान पे सौदा खरीदन जाने हैं, हथों कुछ देइए ना कि खत खाली रह जाने, मिलेगा भी कुछ देखे मिलना। इंज कह लो सारा संसार प्रभु दा बनाया एक बाजार है, इतने देखे ही मिल रहे हैं, उतने मिलते। ऐसे उसने एक अटल नियमावली रखी, कितना मैं धरती नू हाथ जोड़ा तरले लवा तू मैनू अंब दे, मैनू अंब खाने। जे धरती कोलो जवान होवे ते कह सकदी है तू फिर अंब दा बूटा लाना सी, दिता नहीं ते मंगदा की। ये एक नियम प्रभु ने बनाया, आप बनाया। इस वैसे साहब कहने दिता लइए आपना, अण दिते किच आखना पाई गुरदास। दिता लइए आपना, अण दिते किच आखना आवे। देन विच ते मिलन विच लैण विच उसने एक होर नियम बनाया है। तू दे एक बीज एक करोड़ा गुणा वध होके तैनू मिल, ताकि तैनू ये एहसास ना होवे कि मैं दिता ता मिले है। तैनू ये एहसास होवे मैं ते एक बीज दिता सी, करोड़ा फल दरख्त वृक्ष छाया, तो ये मेरे देन करके मैनू नहीं मिलया, प्रभु तेरी मेहर करके मिले, तेरी बख्शिश करके मिले। इस वास्ते हर शब्द ये आख्या जाएगा, जो मिले तेरी बख्शिश, तेरी बख्शिश, तेरी बख्शिश। इसनों फिर मैं दोहराण लगा, गल पूरी पकड़ दे चाह जाए, क्योंकि कई कहने ने भी जिससे मेहर हो जाए उदों खेड बने, जदों जपाएगा उदों जप जावा, जदों की कृपा होवेगी उदों सत्संग विच आवांगे, जदों की मेहर की नजर होवेगी उदों अमृत वेले उठांगे। मैं फिर अर्ज करा इसे ही नुक्ते को गहराई नाल पकड़ना। प्रभु ने एक नियम बनाया, देखे ही मिलेगा, उन्हें नहीं मिलता, नहीं दिता लइए अपना, अण दिते खिच आखना, देखे ही मिलता है। समो ब्रह्मण व्यापार है, व्यापार चल रहे है। एक परमात्मा व्यापारी नहीं है, ये भी मैं थोड़े सामने रखांगा। व्यापार उसने करना होता है जिन्हें कुछ कमाई करनी है, कुछ प्राप्त हो गया। व्यापार विच ऐसा होता है थोड़ा देइए तो बहुता मिल जाए, बहुता प्राप्त हो जाए। ऐसा ही उसने नियम बनाया, बीज ते इक देनेगा फिर प्राप्त कई बीज, कई फुल, कई फल, कई पत्ते और छाया ते वृक्ष। फिर ऐसा ही बीज भी है जे किधरे बो देने, एको ही दफा बो देने
जीवन भर अनंत काल तक तो फल खांद ही रहे, खांद ही रहे, गल मुके गए। जब एक बीज तो इतने फल, इतना सुंदर वृक्ष, इतने फूल, इतनी छाया, तो हर सियाणा कह देता है ये दरख्त, ये छाया, ये फूल, ये फल, हे प्रभु मेरी मेहनत नहीं है, तेरी रहमत, तेरी रहमत। ये सिर्फ मेरी देन नहीं है, तेरा दान है। फिर मैं लवज दौरान, ये मेरी देन नहीं है, उस करके मैनु नहीं मिलया, ये तेरा दान है, तेरा दान। सारे महापुरुषा ने कह दान है, तू दान बेच देता है, क्योंकि इतना पसारा। किधरे एक ख्याल आ जाए कि जो मैं बीज देता है ये जो मेरी मेहनत है ये फली बहुत होवे, बस यही मैनू मिले, और उस बोए हुए बीज का माण भी बड़ा हो जाए, तो मैं ज करा एक तिल नहीं बनने गाले, फिर उस बीज का एक ही बीज शायद प्राप्त हो गए, बाकी कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं। इसनों दो चार नुकत्या के ना मैं और बयान करा, भावें चौपदा है अज का, इस वास्ते गल छेती मुकानी है। व्यापार विच देना लेना, देना लेना, मैं दे नहीं सकता बाजार विच, मैं कुछ भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले। अगर मैं कुछ हथों छोड़ नहीं सकता तो प्राप्त भी नहीं हो सकता। सिंध देश भगत कंवर राम करके हुए ने, जरूर सुनिया होगा तुसी उन्हां दा नाम, ये नृत्य करके गुरबाणी का कीर्तन करते सन, हाथ दे चौना दे खंजरी आती सी, वजांदे सन ते शब्द पढ़ते सन। संत कंवर राम के नाम से सिंधी समाज ने जयपुर, इंदौर, बंबे, उल्लासनगर, संत कंवर राम कलोनी, संत कंवर राम नगर, बहुते बड़े बहुत सारी सिंधी संगत नो उन्होंने शब्द नो रस विच गा गा के धन गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़े, थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करते सन, थोड़ी करते सन, थोड़ा ही बोलते सन। मैं तो इस निक्की जिहे बच्चे नो देख के हैरान होया, इतना थानू जबानी सुना दी कि चार बच्चियां ने पंजवां लड़का है। जब शुरू शुरू ये मेरे को आए ना बंबई देश, उदो बंबई दियां सिंह सभावां ने इन्हां नूं टाइम नहीं दिता सी, फिर ये मेरे को आए। मैं तो देख लिया, देखो गुरु मेहर करे, हुण ये बंबे वाले तरले लैंदे ने, इन्हां कोल टाइम नहीं। ऐसा भी ये चार बच्चियां ने, यह जड़ा बच्चा है ये भी लंबे चौड़े लैक्चर देंदा, मैनू तो ये लगता है करामात, रब्बी करामात है। विचार स्वभाव सुते सिर ये गल आ, शब्द जिहड़ा अज दा पावन पवित्र आया, मुख भाव कुछ दिते बिना मिल गया नहीं, नहीं, नहीं। किधरे भी मैं जावां
खाली हथ नाल कुछ नहीं मिलता। तो संत कंवर राम त्याग ते बोल रहे सन, थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते सन। उस दिन उन्होंने व्याख्या की थी त्याग दे, कराची का एक चोटी का घनाट बाद में भगत कंवर राम को ला गया। कह लगे तुसी त्याग त्याग की गल करते हो, धन की बड़ी महिमा है, धन की बड़ी गल है। कह लगे जब मैं आया तो मेरे ये गोडे दुखदे ने, मैनू बैठन नू कुर्सी चाहिए। सिंधी समाज विच अक्सर अखीर विच दो चार कुर्सियां बार बरांडे च रखियां होंदियां, जिहड़े विचारे थले नहीं बैठ सकते। वो धनाड कहण लगा चार बंदे कुर्सियां ते बार बैठे सन बरांडे च, मैं भी थले नहीं बैठ सकता, बैठ गया फिर मैं उठ नहीं सकता। वो जिहड़ा कुर्सी ते बैठा सी मैं उन्हू पंज दमड़े दिते, उठ गया मैं बैठ गया। तन दी ए महिमा, तुसी त्याग दी गल करदे क्यों छोड़ी है? धन करके इतने सुख मिल जाते। कंवर राम कहण लगे धन करके सुख मिले है, हाँ, पर धन दे के मिले है, त्याग के मिले है, छोड़ के मिले है। तू पांच रुपए छोड़े ने ता कुर्सी मिली हो कि नहीं मिली? किसनों क्यों नहीं तू सोचता? छोड़ के मिले, त्याग के मिले, तू पांच छोड़े ने, तेनू इत्थे बैठन नू कुर्सी मिली है, किधरे तू सारे दा सारा अहंकार छोड़ देवें, निरंकार दे दरबार विच कुर्सी मिलेगी। देखे ही मिलना है उन्हें, दिता लईए अपना, अन दिते किस हथ ना, देखे मिलना। पर देन नाल मैं अपने त्याग का अहंकार जोड़ दिया तो शायद इत्थे भी कुर्सी ना मिले, अगे भी तो गल चल। भाई साहब भाई नंद लाल एक नुक्ता पेश करते हैं जिसका जवाब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देते हैं और उस विच गल स्पष्ट हो जाती है। मैं अजे दिता नहीं तो मैं ऐलान करा मैं ये देना, मैं ये देना। मेरा यह ऐलान दसदा है इसके बदले मैनू मिलना जरूर चाहिए, जरूर, क्योंकि मैं ऐलान जो कर रहे हैं मैं दे रहा, मैं दे रहा। अक्सर जो दिलों देंदे हैं वो ऐलान नहीं करते, फुल महक वंड रहे हैं खामोशी ना। कहने जिहड़े बदल गरजदे ने बरसदे खामोश कोई बरसदे, बड़ा चुप चुपीता सूरज इतनी रोशनी दे जा रही, इतना प्रकाश दे जा रहे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं खांदा।